हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे लक्षद्वीप आइलैंड्स की। वी विल ट्राई टू कवर सारा कुछ जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, लाइक वी विल सी वेयर इज इट लोकेटेड, यानी कि अरेबियन सी के साइड है या फिर बे ऑफ बंगाल के साइड में है या फिर कहाँ है ये लोकेटेड लक्षद्वीप आइलैंड्स। वी विल सी कि इसका हिस्ट्री कैसा था, आई मीन वी कैन सी इट्स पास्ट, हाउ इज़ द क्लाइमेट ओवर देयर, वी कैन सी कि कैसा वेदर है वहाँ पे, वी कैन सी हाउ इज़ द इकोसिस्टम ओवर देयर, वी विल सी कि वहाँ कैसे पेड़ पौधे हैं या फिर कैसे एनिमल्स हैं, यानी कि फ्लोरा और फौना की बात करेंगे। उसके आगे वी विल सी कि कैसा सोसाइटी है वहाँ पे, हाउ इज़ द कल्चर ओवर देयर, द काइंड ऑफ लैंग्वेजेस दैट दे स्पीक, द एडमिनिस्ट्रेशन ओवर देयर, एंड देन वी विल सी कि उनका डेमोग्राफी कैसा है। मोर ओवर वी कैन ऑल्सो लुक एट कि उनकी इकोनॉमी कैसे रन होती है, वट काइंड ऑफ इंडस्ट्री प्रिवेल्स देयर। अंत होने से पहले वी विल सी वाई लक्षद्वीप इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया, यानी कि उसका स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस क्या है। तो टू स्टार्ट ऑफ, लक्षद्वीप क्या है? लक्षद्वीप इज़ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, छोटा छोटा आइलैंड्स है डिफरेंट, यानी कि इन टोटल 36 आइलैंड्स हैं। एंड ये 36 आइलैंड यानी कि एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के समूह को हम लोग आर्किपेलेगो भी कहते हैं। इन्फॉर्मेशन ये भी है कि अब ये 36 से घट के 35 हो गया है, क्योंकि एक इसमें से 2017 में पानी में सबमर्ज कर गया, मतलब ओशियन में सबमर्ज कर गया। तो सबसे पहले तो हम लोग आइलैंड्स को तीन चार भाग में बांट देते हैं। एक है आपका इनहैबिटेड आइलैंड्स जो कि 10 है इन टोटल, अन इनहैबिटेड आइलैंड की यदि हम लोग बात करें तो 17 है, देन यू हैव न्यूली फॉर्म्ड आइलैंड्स जो कि 4 हैं, एंड सबमर्ज रीफ्स वो हैं 5। ठीक है, तो ये आपका लिस्ट है इनहैबिटेड लिस्ट की, इनहैबिटेड आइलैंड्स की, एंड कवरती, अगाती, कदमत, किल्तन, चेतिया, बित्रा, एंड्रॉट, कालपेनी, मिनिकोय, यू कैन सी मोस्ट ऑफ देम हेयर। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लोकेशन कहाँ पे ये लोकेटेड है। इफ़ यू सी दिस इज़ इंडिया, तो ये आपका साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है, केरल यू कैन सी, मालाबार कोस्ट यहाँ पे है। ठीक है, तो ये वहाँ से वेस्ट साइड में है, यानी कि अरेबियन सी में इंडिया के साउथ वेस्ट पार्ट से वेस्टर्न डायरेक्शन में भी आप ट्रैवल करोगे तो यू विल फाइंड लक्षद्वीप आइलैंड्स, यानी कि ग्रुप ऑफ आइलैंड जिसे हम लोग आर्किपेलेगो भी कहते हैं। तो आर्किपेलेगो क्या है? इट्स अ ग्रुप ऑफ आइलैंड विथ सेम टाइप ऑफ ओरिजिन। ठीक है, लक्षद्वीप में एज वी सेड यू हैव 36 आइलैंड्स जो कि काफ़ी सुंदर दिखते हैं, एंड दे हैव ब्यूटीफुल लैंडस्केप, यू विल जस्ट इन्जॉय, एंड दैट इज़ वाई वैकेशन के लिए सबको लक्षद्वीप जाना प्रेफर करते हैं। यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो ये 9 डिग्री चैनल है। तो ये 9 डिग्री चैनल है क्या? हम लोग बहुत बार देखते हैं 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, तो ये आखिर में है क्या? चैनल सबसे पहले किसे कहते हैं? तो ये चैनल टीवी वाला चैनल नहीं है, तो इस चैनल को व्हाट डू वी से इज अ चैनल। ये चैनल वैसा है जहाँ पे यू हैव अ ब्रॉड ओपन वाटर वे, ये जो आप देख रहे हो, तो मैं इसे रब कर देता हूँ, तो यदि आप देखोगे तो एक ब्रॉड वाटर वे की बात होती है बिटवीन टू लैंड मासेस। ठीक है, तो जो दो नेबरिंग लैंड मासेस, लेट सपोज ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है लेट सपोज, और ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, तो बीच में जो ये वाटर वे है, ब्रॉड वाटर वे है, एंड दैट इज वॉट इज कॉल्ड एज चैनल, यानी कि दो लैंड मासेस। तो ये लेट सपोज दिस इज अ बिगर ओशियन, ठीक है, यू हैव हेयर लैंड मास वन, इसको हम L1 बोल देते हैं, यू हैव L2। ठीक है, तो एक ओशियन के बीच में दो लैंड मासेस हैं और ये जो बीच का पैसेज है दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज चैनल। अब इसका नाम 9 डिग्री इसलिए है क्योंकि ये 9 डिग्री लैटिट्यूड पे लाइक होता है, लैटिट्यूड जो है आपका वो 9 डिग्री पे है इक्वेटर से, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज 9 डिग्री चैनल। सिमिलरली यू हैव 8 डिग्री चैनल, सिमिलरली यू हैव 10 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल जो है आपका मिनिकॉय, और जो आपका लक्षद्वीप के आइलैंड की बाकी मतलब कि अमीन देवी और लक्षद्वीप जो है, तो वो जो आइलैंड्स है और जो मिनिकॉय है उसको सेपरेट करता है, यानी कि अपर हाफ को बॉटम हाफ से कट करता है, एंड दैट इज़ व्हाट इज 9 डिग्री चैनल। सिमिलरली 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय जो है यहाँ पे, उसके नीचे मालदीव्स है, तो मिनिकॉय और मालदीव्स को 8 डिग्री चैनल सेपरेट करता है, दैट इज़ वाई 9 डिग्री एंड 8 डिग्री आर इम्पॉर्टेंट। तो 9 डिग्री और 8 डिग्री आपका इंपॉर्टेंट है अरेबियन साइड सी के साइड में, और जो 10 डिग्री है वो भी इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो आपका अंडमान और निकोबार आइलैंड को सेपरेट करता है, दैट इज़ बे ऑफ बंगाल के साइड में। आप यदि देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे बात हो रही है डिस्टेंसेस की, जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक तो सी से ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है, मतलब शिप्स अवेलेबल है, क्योंकि डिस्टेंस जो है अराउंड 200 to 400 to 500 के आसपास, मतलब कि यदि आप देखोगे तो नॉर्मली मोर देन 200 है,
एंड अराउंड 450 प्लस किलोमीटर से, तो मतलब कि 500 और 200 के रेंज के बीच में सारे आइलैंड्स जो है लक्षद्वीप के वो लाई करते हैं हमारे वेस्टर्न कोस्ट से, मतलब कोचिन से हम लोग यदि बात करें तो. तो लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ लक्षद्वीप. तो यदि हम लोग लक्षद्वीप के हिस्ट्री की बात करें तो ज़्यादा कुछ तो पाया नहीं गया है, मतलब कि अनरिटन फॉर्म में तो बहुत कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं. तो जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कहता है दैट सेज कि अराउंड 1500 बिफोर क्राइस्ट एरा जो है, मतलब कि 1500 साल पहले क्राइस्ट एरा के, वी फाउंड सम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो कि आपका एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट को बताता है, दर्शाता है. तो दैट्स अ गेस वर्क, बट ऐसा माना जाता है कि तब से ही ह्यूमन बींग्स वहाँ पर सेटल कर रहे थे. मोर ओवर यदि हम लोग बात करें तो उसके बाद यदि देखा जाए तो बुद्धिस्ट जातका स्टोरीज है जो कि बताता है कि देर वेयर ह्यूमन सेटलमेंट्स विच एग्जिस्टेड इन दिस लक्षद्वीप आइलैंड्स. ठीक है, उसके बाद यदि बात करें तो अराउंड 1st century AD या फिर आप सी कह लो, ठीक है, क्राइस्ट एरा या AD, तो उस समय जो है आपका ये पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी, ये एक आपका किताब की तरह समझ लो, वहाँ पे क्या है कि ग्रीक सेलर्स के पास ये अवेलेबल था जिसमें ये बताया गया था कि आपका कहाँ पे कैसे नेविगेट कर सकते हो और क्या क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है फ्रॉम इजिप्ट टू ऑल द वे अक्रॉस. ठीक है, मतलब कि आगे जाते जाओ तो कहाँ कहाँ पे विश्व में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकता है. तो इस किताब में भी इस लक्षद्वीप आइलैंड का जिक्र किया हुआ है, तो दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट. उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो ऐसा माना जाता है कि चेरामन पेरुमल जिस समय राज कर रहे थे, मतलब कि जो लास्ट किंग ऑफ केरल भी कहलाते हैं, तो चेरा डायनेस्टी के थे वो, तो उस समय माना जाता है कि देर वॉज सम सेटलमेंट इन दीज आइलैंड. ठीक है, बट अगेन कुछ कॉन्क्रीट नहीं मिला है तो वी विल नॉट टॉक. हालांकि ये आपका एतु कोथोई करके जो उस समय लिटरेचर था तो उसमें भी इसका मेंशन है, तो वी कैन बिलीव कि उस समय देर वेयर साइंस ऑफ सम सेटलमेंट. ठीक है, उसके बाद यदि हम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाएं तो 7th century में चले जाएं तो ऐसा माना जाता है कि उस समय मुस्लिम मिशनरी एक्टिविटी चल रही थी और उसके अलावा यू हैड सम क्लोज्ड कंटिन्यूड कनेक्शंस विद द अरब ट्रेडर्स, तो वो आते गए, खासकर अमीनी आइलैंड, मतलब कि जो आपका ऊपर में टॉप पार्ट ऑफ अमीनदीवी आइलैंड्स के पास, मतलब कि टॉप पार्ट ऑफ लक्षद्वीप जो है वहाँ पे अरब से लोग ट्रेडर्स आते थे, तो इस तो उसे वो जो क्लोज कांटेक्ट था उस समय, तो ये बताता है कि आपका उस समय लोग सेटल करने लगे थे एंड उस समय काफ़ी लोग मुस्लिम्स में भी कन्वर्ट किए, मतलब कि इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे. उसके बाद यदि हम लोग बात करें 11th century की, तो उस समय एक छोटा सा हिंदू किंगडम था मालाबार कोस्ट में दैट कैप्चर्ड दिस आइलैंड, और उसके बाद वो जो कुलशेखरा डायनेस्टी था, तो 1102 के अराउंड वो जो है दे पास्ड इट ऑन टू कोलाथिरीज. ठीक है, तो वो कोलाथिरीज भी क्या थे, एक अगेन हिंदू डायनेस्टी थी. फिर उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो 12th century में क्या हुआ कि वहाँ की जो एक रानी थी, यानी कि कोलाथिरी प्रिंसेस थी एक, शी मैरिड टू अ मुस्लिम कन्वर्ट. ठीक है, तो मुस्लिम कन्वर्ट से वो शादी कर ली एंड वहाँ पे मैट्रिलिनियल डिसेंट का प्रचलन था, और अभी भी इनफैक्ट लक्षद्वीप में मैट्रिलिनियल डिसेंट चलता है. ठीक है, तो अब वहाँ पे क्या हुआ कि अब वो यदि शादी कर ली तो अगेन वहाँ पे एक सेपरेट किंगडम को सेटअप किया गया केरल में, सो दैट इस ट्रेडिशन को मेंटेन किया जाए. कैसा ट्रेडिशन? मैट्रिलिनियल डिसेंट का. उसके बाद क्या हुआ, अराउंड 1498 में पोर्टुगीज को बिजनेस इंटरेस्ट था एंड दे थॉट लक्षद्वीप इम्पॉर्टेंट है उनके ट्रेड के लिए, स्पेशली कॉयर ट्रेड के लिए. ठीक है, तो दे केम, दे बिल्ट अ फोर्ट ऑल्सो, और अपना उनको बढ़ावा करना था तो वहाँ पे समय बिताने लगे. एंड बट क्या हुआ कि वो बिजनेस के चक्कर में लोग वहाँ के परेशान हुए और उसके बाद दे गॉट इरिटेटेड एंड उसके बाद एक अपराइजिंग हुआ एंड दे थ्रू पोर्टुगीज अवे. तो अपराइजिंग के बाद अराउंड 1545 में पोर्टुगीज वे थ्रोन अवे, एक्सपेल्ड यू कैन से. उसके बाद क्या हुआ कि जो ये रीज़न था लक्षद्वीप आइलैंड का, दैट रीज़न वॉज कंटिन्यूसली रूल्ड बाई सम मुस्लिम हाउस नोन एज अरक्कल्स. ठीक है, अरक्कल्स क्या थे, मतलब कि मुस्लिम डायनेस्टी यू कैन से, मतलब वहाँ पे क्या था कि लेडी रूरल थी, फीमेल रूलर, दे विद देयर हस्बैंड्स दे रूल्ड ऑन बिहाफ ऑफ कोलाथिरीज जो कि पहले रूल कर रहे थे, तो कोलाथिरीज के बिहाफ पे, दे वर कंसिडर्ड एज वसल्स ऑफ कोलाथिरीज.
तो कोलाथिरीज के बिहाफ पे दीज फीमेल रूलर्स विद देयर हस्बैंड रूल्ड द प्लेस, दे कंटिन्यूड रूलिंग इट, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद टीपू सुल्तान एकदम अपने पीक पर थे, तो मतलब टीपू सुल्तान जो है वो इसे कब्जा कर लिए, मतलब ही कंकर्ड लक्षद्वीप एंड सम पार्ट्स को रूल किए, स्पेशली द नॉर्दर्न पार्ट, ठीक है। तो नॉर्दर्न पार्ट जो है टीपू सुल्तान के कब्जे में आ गया, फिर उनके डेथ के बाद धीरे धीरे वो ब्रिटिश के कंट्रोल में जाने लगा, ठीक है। तो बट लेकिन क्या हुआ कि ब्रिटिश के कंट्रोल में तो आ गया, बट ब्रिटिश अलाउड कि वो जैसे अभी रूल चल रहा था बीबीज के हाथों में, बीबीज मीन्स फीमेल रूलर, तो वो बोलते थे कि आप रूल करो मेरे बिहाफ पे, बट मेक श्योर कि मुझे ईयरली जो है कुछ ट्रिब्यूट आप दोगे, मतलब कि कुछ पैसा आप पहुंचाओगे तो आपको हम रूल करने देंगे, ठीक है। फिर ऐसा चलता रहा, फिर 1908 में टोटल कंट्रोल ब्रिटिशर्स के पास चला गया, वो जो है आपका मद्रास प्रेसिडेंसी में डाल दिया, ठीक है। फिर ऐसा चलता गया, भारत आज़ाद हो गया, एंड फिर 1956 में आपका ये यूनियन टेरिटरी बन गया जो कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स के तहत किया गया था। तो लक्षद्वीप जो है आपका मालाबार डिस्ट्रिक्ट से सेपरेट आउट कर दिया गया और यूनियन टेरिटरी बना गया 1956 में, ठीक है। इस समय इसका नाम क्या था, लक्षद्वीप्स, मिनिकोय एंड अमिनदेवी आइलैंड्स। अब इसमें क्या है, जो आपका लक्षद्वीप भी है वो भी तीन भाग में है बेसिकली। तो ये आप देखोगे तो ये जो आपका टॉप पार्ट ये आपका हो गया अमिनदेवी, उसके बाद ये वाला पार्ट जो है वो लक्षद्वीप्स कहलाता है, उसके बाद ये मिनिकोय। तो इस तरह से तीन भाग, तो ये यहाँ पे भी ये सब ग्रुप्स है तो तीन भाग में है, ठीक है। दैट इज़ हाउ इट वॉज। तो 1956 में यह फॉर्म हुआ, फिर इसका नाम जो है 1973 में बदल दिया गया एंड इसका नाम हो गया लक्षद्वीप 1973 में। देर इज़ वन मोर थिंग दैट यू कैन नोट एंड दैट इज़ कि लक्षद्वीप, तो देखो पहले लक्षद्वीप्स, मिनिकोय एंड अमिनदेवी 1973 तक नाम था, ठीक है। अभी जो है वो कैपिटल कवरत्ती है, बट हमारे को इम्पॉर्टेंट ये जानना है कि कवरत्ती कब से कैपिटल था। तो क्या कवरत्ती शुरुआत से ही कैपिटल था? नहीं, ऐसा नहीं था। 1964 तक केरल के कोझिकोड वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ दिस समूह ऑफ आइलैंड, यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। बट आफ्टर 1964 कवरत्ती को हम लोग कैपिटल बना दिए। आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द क्लाइमेट ओवर देयर, ठीक है। तो लक्षद्वीप के पास कैसा क्लाइमेट है? ट्रॉपिकल रीजन में है, तो वी कैन सेफली से ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। नॉर्मली जो क्लाइमेट है दैट इज़ ह्यूमिड बट इट इज़ प्लेजेंट, ठीक है। थोड़ा वार्म रहता है बट इट इज़ प्लेजेंट, नाइदर टू कोल्ड नॉट टू वार्म, ठीक है। तो ये अराउंड 27 टू 32 डिग्री सेल्सियस का एवरेज टेम्परेचर है और यहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून भी स्ट्राइक करती है और एवरेज रेनफॉल जो है दैट इज़ 10 to 40 millimeters। ह्यूमिडिटी रिमेन्स अराउंड 70 to 75, मतलब थोड़ा सा स्टिकी तो रहता है। एनुअल रेनफॉल जो है साउथ से नॉर्थ तक, मतलब साउथ में सबसे ज़्यादा है, नॉर्थ में सबसे कम है, तो डिक्रीजिंग है साउथ से नॉर्थ, ठीक है। और यहाँ पे यदि हम लोग साइक्लोन, अभी थोड़े दिन पहले भी ट्रॉपिकल साइक्लोन आया था अरेबियन सी के साइड में, तो जो नॉर्मली जो साइक्लोन फॉर्म होता है दैट इज़ फॉर्म्ड नियर दिस लक्षद्वीप रीजन ओनली, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होता है, या तो ओमान की तरफ चला जाता है और अदरवाइज आजकल का ट्रेंड देखा गया है कि वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया को भी हिट कर रहा है, जैसा कि अभी साइक्लोन हिट किया था। लेट्स मूव अहेड, लेट्स टॉक अबाउट द इकोसिस्टम। लक्षद्वीप काफ़ी बढ़िया दिखता है, ब्यूटीफुल तो है ही। इट ऑल्सो हैज़ अ वास्ट एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जिसमें कि तीन तरह के इकोसिस्टम्स हैं, लैंड, लगून एंड ओशियन, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे तीन चीज़ें देखने लायक है, मतलब कि एक तो आपका डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम है लैंड, लगून और ओशियन। तो लैंड और ओशियन तो आप समझ ही रहोगे, व्हाट इज़ लगून? तो लगून इज़ नथिंग, एक शैलो वाटर बॉडी है जो कि सेपरेटेड है, कहाँ से, एक लार्जर वाटर बॉडी जो सेपरेट होता है, ठीक है। मतलब कि एक लार्जर वाटर बॉडी है, उसके बीच में मान लो आप एक बैरियर डाल दिए, रीफ डाल दिए, और उसके बाद एक छोटा सा शैलो सा वाटर बॉडी है, तो मतलब कि वो सेपरेट आउट होकर वो लगून बन जाता है, ठीक है। तो दैट मीन्स वॉट इज इट, इट इज़ अ शैलो बॉडी ऑफ वाटर दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम अ लार्जर बॉडी ऑफ वाटर बाई रीफ्स और बैरियर आइलैंड्स, ठीक है। तो एंड इसमें एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि शैलो वाटर बॉडी जो है दैट शुड बी नियरर टू द सी और एन ओशियन, ठीक है। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट गिव्स इंडिया वास्ट एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो अब देखते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता क्या है। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एक ऐसा एरिया है सी का
जो कि आपको सोवरेन राइट देता है, मतलब कि कुछ स्पेशल राइट्स देता है। आप उसमें क्या कर सकते हो, यू कैन एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट वर्ड गलत होगा, यू कैन से यू वी एक्सप्लोर एंड यूज द मेरीन रिसोर्सेज वहां पे। कितने दूर तक, अराउंड 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट, ठीक है। तो उतने दूर तक यू कैन यूज दैट रीजन फॉर योर बेनिफिट, एज इन एक्सप्लोरिंग एंड मैरीन रिसोर्सेज को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, इंक्लूडिंग वहां पे क्या कर सकते हो, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो वाटर से या फिर विंड से। तो दैट इज वाई एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिकम्स इंपॉर्टेंट। और ये कहाँ से ये अथॉरिटी मिलता है, दैट इज फ्रॉम अ यूएन कन्वेंशन। यूएन कन्वेंशन किसका, यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी। तो ये आपका 1982 यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी है, उसके तहत ये आपको अथॉरिटी मिलता है, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे आइलैंड जो है वो कोरल आइलैंड्स हैं, ये आपको इम्पॉर्टेंटली याद रखना है। और कोरल आइलैंड्स कैसे फॉर्म होता है एक बार वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, समुद्र में यू हैव मिड ओशियनिक रिज, ठीक है। रिज कहने का मतलब एक ब्रोकन सरफेस ऑफ अंडरग्राउंड वॉल्केनोज जो भी अंदर होता है, तो वहाँ से क्या होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है। मिड ओशियनिक रिज मतलब कह सकते हो एक सी फ्लोर, मतलब एलिवेटेड सा माउंटेन होता है, मतलब कि माउंटेन या हिल टाइप का चीज़ को बोलते हो। मतलब कि मिड ओशियनिक रिज हुआ बेसिकली एन एलिवेटेड रीजन जिसमें कि एक वैली होगा ओशियन का, फिर वहाँ पे मतलब कि फ्रॉम द डाइवर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स आपका एक हिली या माउंटेनियस सॉर्ट ऑफ चीज़ बनेगा, वहाँ से आपका वॉल्केनिक इरप्शन होगा, फिर वहाँ से क्या होगा, वॉल्केनिक लावा इकट्ठा होगा, वहाँ से क्या होगा, अंडरग्राउंड माउंटेन बनेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो अपर लेयर है वहाँ पे क्या होगा, कोरल्स जमा हो जाएगा, जो आपका पानी का अपर लेयर है वो वहाँ पे जाके जमा हो जाता है, एंड वो जो जमा होता है दैट इज़ व्हाट इज़ कोरल आइलैंड। तो फिर वो जो फॉर्मेशन है आइलैंड का, दैट इज़ व्हाट इज़ कोरल आइलैंड, ठीक है। ये सारे आइलैंड्स जो होते हैं बेसिकली लो एलिवेशन के होते हैं, और मतलब कि 5 मीटर सी लेवल के ऊपर नहीं जाते नॉर्मली, तो उससे क्या होता है, मतलब कि दे बिकम वल्नरेबल। तो इसलिए आप देखोगे तो मतलब कि जैसे 36 में से एक आइलैंड में आपका सबमर्ज कर गया, तो दे आर वल्नरेबल सी लेवल पे। यदि वाटर लेवल का चेंज होगा, सी लेवल वाटर जो है उसमें यदि चेंज होगा, तो दे आर वल्नरेबल टू, तो दे आर वल्नरेबल टू व्हाट, मतलब कि उनका एग्जिस्टेंस ही थोड़ा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो उनका जो टोपोग्राफी है वो भी फ्लैट है, ठीक है। देर इज नो सच रिलीफ लाइक हिल्स, स्ट्रीम्स, वैलीज, वो सब चीज़ एबसेंट होते हैं। एंड एक बात और यहाँ पे जानने लायक है कि ये जो आपका लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप आइलैंड्स, मतलब कि ये भी आपका एक समूह है, ठीक है। तो वैसा है बेसिकली 3 समूह है, ठीक है। तो दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ दैट समूह विच वी कॉल एज चागोज लक्षद्वीप रिज, ठीक है, CLR भी इसे कहते हैं। अब उसमें 3 होते हैं, तो एक हो गया आपका लक्षद्वीप, उसके नीचे मालदीव्स, और उसके नीचे चागोज। तो यदि आप इंडिया का मैप देखोगे तो उसके नीचे, मतलब कि यदि जाओगे तो यहाँ, यदि आपका लक्षद्वीप है तो उसके ठीक नीचे मालदीव्स आपको पता होगा, एंड थोड़ा और नीचे जाओगे तो यू हैव चागोज आर्किपेलेगो, सारे मतलब कि सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, ठीक है। दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर। अब ये जो है आपका जो पूरा रीजन है, मान लो LMC वाला, मतलब कि लक्षद्वीप, मालदीव और चागोज वाला, तो वो बेसिकली एक वॉल्केनिक रिज है, ठीक है, एंड ओशियनिक प्लेट्यू है जो कि एक्सटेंड करता है नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडियन ओशियन में। तो यदि हम लोग मैप पे जाएं, तो मान लो ये वाला रीजन हो गया आपका लक्षद्वीप वाला, तो उसके नीचे यदि जाते जाओगे तो वही LMC फॉर्म होता है। तो उसके बाद यदि देखोगे तो CL, मतलब कि उसे हम लोग एक वॉल्केनिक रिज और ओशियनिक प्लेट्यू मानते हैं, तो वही कॉम्बिनेशन है। और ये इसका सब ग्रुप एक लक्षद्वीप है, एक मालदीव्स है और एक चागोज है। हमें मतलब सिर्फ लक्षद्वीप है क्योंकि इंडिया का पार्ट है वो, ठीक है। दैट इज़ वाई दीज आर इम्पॉर्टेंट। इस तरह से आपका कोरल आइलैंड फॉर्म होता है। ये काफ़ी इकोलॉजिकली सेंसिटिव होता है। इफ़ यू टॉक अबाउट कि कैसे वहाँ पेड़ पौधे हैं या फिर कैसे एनिमल्स हैं, तो सबसे पहले हम लोग फ्लोराज की बात करते हैं, मतलब कि पेड़ पौधे की बात करते हैं। तो वहाँ क्या इंपॉर्टेंट है, बनाना, कोलोकेसिया, ड्रमस्टिक, ब्रेड फ्रूट जिसे हम लोग चक्का भी बोलते हैं, वाइल्ड एलमंड, और ये आपका यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिलता है। फिर सी ग्रास, छोटे छोटे सी ग्रास हैं, मतलब कि वहाँ पे देखो सैंडी सा बीच होता है, तो वहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे तो उग नहीं सकते। सी ग्रास पाया जाता है एडजेसेंट टू बीचेस, एंड व्हाट दे डू इज दे बेसिकली प्रिवेंट सॉइल इरोजन और दे इंश्योर मूवमेंट ऑफ बीच सेडिमेंट्स, ठीक है। तो दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट। सिमिलरली यदि हम लोग बात करें कि फौना क्या, तो नॉर्मली वहाँ बर्ड्स ज़्यादा पाए जाते हैं, तो थराथासी एंड करीफेतू, दे आर द ओशियनिक बर्ड्स
दैट इज फाउंड इन अनइनहैबिटेड आइलैंड ऑफ पिति. पिति में बर्ड सेंचुरी भी है. मोलक्स भी काफ़ी सारा पाया जाता है एंड दे आर पार्ट ऑफ द लोकल फूड हैबिट. ठीक है, उसके अलावा क्रैब्स काफ़ी सारे पाए जाते हैं. उसके बाद मनी कौरी, साइपेरिया मोनिटा, दे आर ऑल्सो फाउंड इन एबंडेंस. ठीक है, उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो कलरफुल कोरल फिश भी वहाँ पाया जाता है. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो लेट्स टॉक अबाउट देयर सोसाइटी, वहाँ पे कैसे लोग हैं. सबसे पहले तो ये हमें जानना होगा कि देर इज़ नो एबोरिजिनल ट्राइब. मोस्टली मैट्रियार्कल सोसाइटी है वहाँ पे. मतलब जैसे यहाँ पे देखोगे जो लीनियज है वो पैट्रियार्कल है. ठीक है, बट वहाँ पे सारा कुछ मैट्रियार्कल है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है एंड दैट इज़ वाई यू शुड रिमेंबर इट. फिर यदि हम लोग बात करें तो वहाँ पे मोस्टली जो है रिलीजन दैट इज़ इस्लामिक. ठीक है, तो इस्लामिक में भी वहाँ जो है एक सफ़ी स्कूल ऑफ लॉ, मतलब कि वो आपका सुन्नी सेक्ट में आता है, तो वो मोस्टली फॉलो किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है. ठीक है, फिर जो ड्रेस है उनका, मतलब कि वो नॉर्मली जो है मालाबार कोस्ट में जैसे लोग पहनते हैं, मतलब इफ़ यू सी तो लेडीज़ गाउन की तरह की चीज़ें पहनती हैं, और जो जेंट्स है तो मेल्स है वो आपका धोती के टाइप का चीज़ें पहनते हैं. तो दोज आर द ट्रेडिशनल क्लोथ दैट दे वियर. तो नॉर्मली उस तरह से चलता है. उसके अलावा यदि हम लोग फेस्टिवल्स की बात करें तो जो आपका इंडिपेंडेंस और रिपब्लिक डे है वो वाइडली सेलिब्रेट किया जाता है. जो मोस्ट सेलिब्रेटेड फेस्टिवल है वो इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे है. उसके बाद चूंकि मोस्टली इस्लामिक रिलीजन है वहाँ पे, तो यू हैव लाइक बकरीद, मुहर्रम, ईद उल फितर, मिलाद उल नबी, तो ये सारे जो मुस्लिम फेस्टिवल हैं वो ज़्यादा फॉलो किया जाता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. व्हेन यू टॉक अबाउट द कल्चर एंड हेरिटेज, तो उसमें मतलब कि आपके डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स के बारे में बात कर सकते हैं. तो यू हैव अ कोकली डांस, आई थिंक इट इज़ कोकली एज फार एज आई हैव रेड, एंड परिचाकली. तो कोकली जो है वो एक स्टिक डांस है, एंड जो परिचाकली है दैट इज़ अ शील्ड डांस फ्रॉम वुड. ठीक है, तो वो आपका दोनों ही काफ़ी पॉपुलर डांस है. उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है स्पेशली मिनिकॉय आइलैंड में, दैट इज़ लावा डांस. तो लावा डांस जो है काइंड ऑफ फ्री फॉर्म डांस है, नॉर्थ इंडिया के डांस की तरह है थोड़ा. ठीक है, उसके बाद देर इज़ ऑल्सो सम उलाको मुट्टी डांस जो कि बैम्बू पोल डांस कहलाता है, और एक अट्टम डांस है जो कि फ्री फॉर्म डांस है, विच आर वाइडली पॉपुलर. उसके अलावा शादी के समय जो एक जो गाना है, मतलब कि जो फोक म्यूज़िक है, यू कैन से दैट इज़ ओपना. ठीक है, ये आपका फोक म्यूज़िक है. इसमें क्या होता है, एक लीड सिंगर होता है और उसके बाद एक ग्रुप ऑफ वुमेन जो है वो गाना गाती है साथ में. तो जैसा कि आपका लेडीज संगीत होता है, उस तरह से मान लो कि शादी के समय, मतलब कि एक समूह में लेडीज़ डू सिंग सॉन्ग. तो वो नॉर्थ इंडिया के यदि कल्चर से कंपेयर करोगे तो ओपना इज सिमिलर टू दैट. एंड तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है और ये आपका वाइडली यूज है, एंड दिस इज मोस्टली यूज ड्यूरिंग मैरिजेस. ठीक है, तो दैट इज़ वॉट यू शुड रिमेंबर. इसके बाद देखते हैं तो लैंग्वेज की यदि बात करें तो लक्षद्वीप का जो नाम ही है, जो 1973 के बाद हम लोग लक्षद्वीप बोलते हैं, तो बेसिकली वो मलयालम और संस्कृत में उसका नाम है 100,000 आइलैंड, यानी कि 100,000 आइलैंड्स. अभी हैं तो 36 ही, बट ऐसा इसका नाम का मतलब है. ठीक है, उसके बाद जो आपका अर्लीस्ट स्क्रिप्ट यूज़ हुआ था, सबसे पहला जो है वो इट इज़ वत्तेलुतु, एंड इसमें आपका हैवी संस्कृत कंपोनेंट यूज़ हुआ है. तो बस इतना आप याद रखो. जो आपका लैंग्वेज मोस्टली यूज़ होता है दैट इज़ मलयालम. ठीक है, उसके बाद मिनिकॉय में नॉर्मली महल करके एक लैंग्वेज है दैट इज़ यूज, एंड विच इज़ सिमिलर टू आपका मालदीव्स का दिवेही. अब वो मालदीव्स के पास है, मिनिकॉय के नीचे देखोगे तो मालदीव्स है, तो आपका सिमिलर लैंग्वेज है, तो ये वहाँ पे बोला जाता है. ठीक है, उसके बाद इस्लाम के आते ही क्या हुआ कि जो आपका मलयालम था तो कन्वर्टेड टू मिक्सचर हो गया, तो अरबी मलयालम वहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है, मलयालम इन अरेबियन स्क्रिप्ट. आगे बढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं. देखो सबसे पहले तो देखो आइलैंड बहुत छोटा है, मतलब 32 स्क्वायर किलोमीटर है, तो वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट उसे कंसीडर किया जाता है, उसके 10 सब डिवीज़न. उसके बाद जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन कवारेती. बट कवारेती हेडक्वार्टर कब बना था अब एक बार मैं बता चुका हूँ, तो यू कैन नाउ कमेंट एंड से कि कब बना था कवारेती इसका हेडक्वार्टर, उससे पहले क्या था ये भी आप कमेंट में बता सकते हो. अब ये जो टेरिटरी है, ठीक है, अब इसे रूल कौन करता है, यानी कि इसे एडमिनिस्टर कौन करता है. एक ये एडमिनिस्टर किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, और वो आपको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, प्रेजेंटली इट इज़ प्रफुल्ल पटेल हु इज़ देयर एडमिनिस्ट्रेटिंग एवरीडे वर्क. ठीक है, और ये आपको अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल के तहत देता है प्रेसिडेंट को, तो आर्टिकल 239 है विच टॉक्स अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, उसके तहत ये सारा काम होता है. ठीक है,
उसके बाद यदि देखें अगाती आइलैंड की यदि बात करें तो दैट हैज़ अ डोमेस्टिक एयरपोर्ट, काइंड ऑफ एयर स्ट्रिप ही है विच इज़ कनेक्टेड विथ कोची मैंगलोर, ये जहाँ से आपका फ्रीक्वेंट फ्लाइट्स होता है, तो दोनों पास है इसलिए वहाँ से ज़्यादा फ्लाइट्स यहाँ पे आते हैं। उसके बाद यदि हम लोग ज्यूरिस्डिक्शन की बात करें, मतलब यदि कुछ भी लीगल चैलेंजेस आते हैं तो दैट इज़ टेकन केयर ऑफ बाई केरल हाई कोर्ट, ठीक है। कैपिटल कवरेती में है, ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है। इसके अलावा जो पुलिस है दैट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ होम एडमिनिस्ट्रेटर ऑब्वियसली। उसके बाद जो आपका इंडियन रिजर्व बटालियन है वो आपका एक्सक्लूसिवली वर्क करता है लक्षद्वीप, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव के लिए, ठीक है। अब इंडियन रिजर्व बटालियन जो है, मतलब कि ये 1996 में सैंक्शन हुआ था लक्षद्वीप, दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली के लिए, तो ये जो है आपका 96 में सैंक्शन हुआ था और फिर 2000 से ऑपरेट कर रहा है। ये एक आपका स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस है जो कि पर्टिकुलर स्टेट में वर्क करता है, एंड ये बेसिकली इज नाइदर अ पुलिस नॉर अ पैरामिलिट्री फोर्स, बस इतना जानो आप, इससे ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट डेमोग्राफी। तो एज पर सेंसस 2011 लक्षद्वीप का पॉपुलेशन वॉज अराउंड 65,000, इट वॉज एक्चुअली अराउंड 64,000 समथिंग, बट फॉर रिकॉर्ड्स एज इन वी विल कंसिडर इट टू बी 65,000 क्योंकि हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि उसके अलावा देखें तो पॉपुलेशन ग्रोथ की यदि बात करें तो जो टोटल फर्टिलिटी रेट था दैट वॉज 1.4 विच वॉज कंसिडरेबली लेस देन 2.2 जो आपका नेशनल एवरेज है, ठीक है। इसके बाद इफ़ यू टॉक अबाउट द सेक्स रेशियो तो वो भी रिलेटिवली बेटर है क्योंकि इट इज़ 946 फीमेल्स फॉर एवरी 1,000 मेल्स, जो कि इज़ अ गुड रेशियो फॉर इंडिया क्योंकि बाकी जगह से यदि कंपेयर करें। फिर स्कूलिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल थ्रू आउट द आइलैंड एंड कॉलेज ऑल्सो ऑफर्स बैचलर डिग्री विच इज़ एफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट इन केरल, तो मतलब कि वहाँ पढ़ाई को थोड़ा तवज्जो दिया जाता है, ठीक है। एंड उसका यदि आप देखो तो लिटरेसी रेट से भी दिखता है कि 92.28% लिटरेसी रेट है, तो दैट इज़ कंसिडर टू बी क्वाइट गुड, ठीक है। इफ़ यू टॉक अबाउट द इंडस्ट्री तो वहाँ पे कैसे इकोनॉमी कैसे रन होता है, तो सबसे पहले जो हम लोग को देखना चाहिए कि किस तरह का इंडस्ट्री है मेजरली, तो एक तो आपका हो गया फिशरी, दूसरा हो गया आपका टूरिज्म, तीसरा जो आपका बेसिक वहाँ पे जो एग्रीकल्चर कह सकते हो, मतलब कि क्रॉप ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तो मतलब कि जो कोकोनट ही ज़्यादा पाया जाता है तो कोकोनट का जो कॉयर है उससे काफ़ी बिजनेस होता है, ठीक है। तो ये मेजरली तीन है, तो फिशरी उनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, एंड जो ट्यूना फिश है वो काफ़ी पॉपुलर है और मोस्टली मिनिकॉय आइलैंड में पाया जाता है, वहाँ पे एक फिश फैक्ट्री भी है, तो वो काफ़ी बिजनेस देता है लक्षद्वीप को। मोरोवर यदि हम लोग बात करें तो सिंस लक्षद्वीप आइलैंड थोड़ा सा आइसोलेटेड है तो शांति प्रिय जगह है, प्लस सीनिक ब्यूटी इतना बढ़िया है कि पीपल आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस डेस्टिनेशन, तो उससे क्या होता है कि आपको ट्रेवल इंडस्ट्री को बूम मिलता है और यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं विजिट करने। हालाँकि इट्स अ रेस्ट्रिक्टेड प्लेस, मतलब आपको यहाँ आने के लिए भी परमिशन लेना पड़ता है कोचिन से, तो क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज लिमिटेड है तो इट शुड नॉट बी ओवर क्राउडेड, इस कारण ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगाया गया ताकि हम लोग मेंटेन भी कर सकें और सस्टेनेबल वे में ये चलता रहे, ठीक है। मोर ओवर वाटर स्पोर्ट्स के एक्टिविटीज़ हैं जो कि यहाँ पे होते हैं, लाइक स्क्यूबा डाइविंग है, विंड सर्फिंग है, स्नॉर्कलिंग है, सर्फिंग है, कैनोइंग है, वाटर स्कीइंग है, स्पोर्ट्स फिशिंग है, कुछ भी, मतलब कि आप नाम लो विच इज़ देयर, सो पीपल रियली इन्जॉय ओवर हेयर, तो ये आपका काफ़ी बिजनेस प्रोवाइड करता है इन्हें। मोरोवर यदि देखा जाए तो कोकोनट कॉयर का हम लोग बात किए थे, वो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट बिजनेस है। उसके बाद कोपरा इज़ एक्सपोर्टेड टू मेनलैंड जिससे कि आपका ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है। मोरोवर कोकोनट फाइबर का प्रोडक्शन के लिए भी इंडस्ट्री है, यहाँ पे फैक्ट्री है, तो दैट इज़ वॉट यू शुड ने। मोरोवर लोकल्स ऑल्सो इंडल्ज इन बोट मेकिंग, तो बोट मेकिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेज वेयर पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे एक डिसैलिनेशन प्लांट है कावरती आइलैंड में, अब पीने का पानी तो चाहिए ही, तो यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी जो है दे हैव डेवलप्ड दिस डिसैलिनेशन प्लांट और ये आपका ड्रिंकिंग वाटर देता है, उसके अलावा पावर जनरेशन और एयर कंडीशनिंग के लिए भी यूज़ होता है। इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर को ले करने का भी अप्रूवल मिल चुका था, तो आई थिंक इट विल बी अवेलेबल और इट विल बी सून अवेलेबल, क्योंकि थोड़े दिन पहले तक तो आपका इंटरनेट फैसिलिटी उतनी अच्छी अवेलेबल नहीं थी, तो अब शायद अवेलेबल हो गया हो, तो मतलब कि परमिशन तो मिल ही गई है। तो आगे देखते हैं व्हाई लक्षद्वीप इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया, इसका स्ट्रेटजिक इम्पॉर्टेंस क्या है। व्हेन यू टॉक अबाउट लक्षद्वीप तो ये लक्षद्वीप जो है एकदम बीच में पड़ता है, कहाँ से, लेट सपोज इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम पर्शियन गल्फ, मतलब लेट सपोज कोई ऑयल टैंकर का मूवमेंट है तो दैट इज़ कमिंग फ्रॉम पर्शियन गल्फ टू लेट सपोज आपका साउथ ईस्ट
चाइना की तरफ जा रहा है, यानी कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का की तरफ जा रहा है, चलो तो आपका लक्षद्वीप जो है दैट कम्स इन बिटवीन और आपके शॉर्टेस्ट रूट का पार्ट है. तो दैट इज़ हाउ, तो दैट इज़ वाई लक्षद्वीप बिकम्स इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो आप यदि पर्शियन गल्फ से आ रहे हो या फिर आपको लेट सपोज यूरोप से आ रहे हो थ्रू सुएज कनाल, या फिर आप मतलब ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज से आ रहे हो टूवर्ड साउथ ईस्ट एशिया, तो 8 डिग्री चैनल नियर लक्षद्वीप, ये वाला जो वाटर पैसेज है, ये आपका शॉर्टेस्ट रूट है टू रीच साउथ चाइना सी. ठीक है, तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू सब जाता है. तो ये आपका जो 8 डिग्री चैनल है एकदम बीच में पड़ता है. 8 डिग्री चैनल इफ यू रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट, तो दैट डिवाइड्स लक्षद्वीप फ्रॉम मालदीव्स, तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है. इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो लक्षद्वीप ऑल्सो इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि दिस हेल्प्स इंडिया टू चेक ऑन किसको, लेट सपोज पर्शियन गल्फ वाले रीजन जो है, फिर पाकिस्तान को, मॉरिशस, सेशल्स, मालदीव्स एंड ईस्ट अफ्रीकन नेशंस जो भी है. ये रीजन आपका इसलिए भी इंपॉर्टेंट है टू चेक सोमाली पायरेट्स, बिकॉज दे आर नोन टू क्रिएट नुइसेंस, मतलब कि वो आपका ट्रबल क्रिएटर्स तो है ही. कोई भी शिप को घेर लेते हैं, मतलब कि कब्जा कर लेते हैं, इस तरह के न्यूज़ बीच बीच में आते रहता है सोमालिया पायरेट्स के बारे में. थोड़ा दिन पहले यूएसए का 7th फ्लीट भी ऑल्सो आया था इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नियर लक्षद्वीप. क्यों आया था? टू चेक द कार्गो मूवमेंट ऑफ ईरान. ठीक है, तो ये सारे रीजन के कारण से यहाँ पे मतलब कि यू विल सी इंडिया हैज़ अ नेवल डिटैचमेंट और कोस्ट गार्ड यूनिट्स भी हमेशा अवेलेबल रहते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स पे, बीट कवर अति मिनिकॉय और अगाथी. इसके अलावा इफ़ यू टॉक, आई मीन वी ऑल्सो हैव INS द्वीप रक्षक. INS द्वीप रक्षक इज बेसिकली अ नेवल बेस ऑफ साउदर्न नेवल कमांड एंड दैट इज लोकेटेड कहाँ पे, लक्षद्वीप के कैपिटल यानी कवरती आइलैंड्स में. दीज रीजन्स आर इम्पॉर्टेंट, ये तो है ही है. इनडायरेक्टली यदि ये भी देखा जाए तो मतलब कि दिस होल्ड्स इम्पॉर्टेंस इंडिया के लिए, इसलिए भी क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है इंडियन ओशियन रीजन में, एंड तो उसको काउंटर करने के लिए लक्षद्वीप बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. एवरीवन इज लुकिंग टू चेक द चाइनीज रिसर्जेंस, तो इस कारण से लक्षद्वीप अगेन होल्ड्स अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस. सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड आई विल जस्ट इनकरेज यू गाइज टू शेयर इट मोर एंड मोर अमंग योर फ्रेंड्स, सो दैट इट मोटिवेट्स अस फर्दर टू क्रिएट मोर एंड मोर वीडियोज दैट वुड बी हेल्पिंग यू फॉर द एग्जामिनेशन.